सज गई बकरा मंडी। ईद उल अजहा गुरुवार को शहर काजी ने जारी किया नमाज का टाइम टेबल। लोग जमकर कर रहे हैं बकरों की खरीद। दीदवाना इस्लाम का सबसे मुकद्दस त्यौहार ईद उल अजहा 29 जून गुरुवार को पूरी शिद्दत और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। काजी शहर जनाब रेहान उस्मानी ने जानकारी देते हुए कहा कि कुर्बानी का ये त्यौहार 29 जून गुरुवार को मनाया जाना है। नमाज ईद उल अजहा पुरानी ईदगाह में प्रातः 7:30 बजे, नई ईदगाह में प्रातः 7:15 बजे पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही बाग कॉलोनी में प्रातः 6:30 बजे, जमात खाना कुरेशियान में प्रातः 7:45 बजे, मदीना मस्जिद में 7:45 बजे अदा करवाई जाएगी। जनाब उस्मानी ने तमाम मोमिनों से आग्रह किया है कि कुर्बानी एहतराम के साथ अदा करें, कुर्बानी के फोटो वीडियो किसी भी सूरत में सोशल मीडिया पर न डालें, सफाई का विशेष ध्यान रखें, वहीं सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी करने से परहेज करें। बकरा मंडी सज गई। प्रशासन ने अस्थायी बकरा मंडी के लिए नागौर रोड ओवर ब्रिज के नीचे बकरा पालकों को जगह उपलब्ध करवाई है, जहां क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान अपने अपने बकरों के साथ पहुंचे हैं। मंगलवार को बकरों में काफी तेजी देखने को मिली, जिसके कारण खरीदारी कमजोर रही। जानकार बताते हैं बुधवार को भाव नीचे जाएंगे, जिससे बिकवाली में तेजी आएगी। बकरा पालकों ने बताया कि खड़ा बकरा औसत 500 रुपया किलो की दर से बिक रहा है, जो एक खरीदारों के लिए बहुत फायदे का सौदा है। मंडी का कोई भाव नहीं, कोई 60 में बिकता है, कोई 70 में बिकता है, कोई 50 में बिकता है। सुनने में आया है कि 700 रुपये किलो तक के आज के भाव हैं, कि 800 रुपये किलो के आज के भाव हैं, तो 1000 रुपये किलो भी बिक रहे हैं। आप क्या मानते हो, ये भाव अच्छा है या सेम ही है? किसान को किस में फ़ायदा है? तो भाव बहुत ज़्यादा तेज, गिराए की कमी है, गिराए नहीं ले रहे हैं, 1000 किलो में बिक रहा है। क्या माना, कल जानवर और आने के मंडी जाएगी? हो सकता है ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी देखते हैं का भाव कहेंगे। मंडी में बकरे खूब आए हुए हैं, लेकिन आज भाव थोड़ा मार्केट से ज़्यादा चल रहा है, लगभग 1000 रुपये किलो के हिसाब से, इसलिए कुछ बिक्री हुई है। और बाकी कल और इधर उधर से कल बकरे और आएंगे, तो कल और खरीदारी कल करेंगे हम, मेरे को भी लेना है लेकिन कल लेंगे।